वो मूवी जिसे देखते समय आप धीरे धीरे उसके अंदर खींचते चले जाएं और एकदम से अपने आप को उन कैरेक्टर्स में देखने लग जाऊं। ऐसे ही साउथ इंडिया में बनी 5 धमाकेदार फिल्में आज मैं आपको बताने वाला हूं। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि ये सभी फिल्में हिंदी में डब है और यूट्यूब पर भी आ चुकी है। इनमें से कुछ फिल्में सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है और कुछ फिल्में रोमांस और एक्शन का जबरदस्त कॉम्बो है। और अगर साउथ इंडियन थ्रिलर फिल्मों की बात करें तो इन फिल्मों की स्टोरी लाइन काफी यूनिक और फ्रेश होती है जो हमें एंड तक एंगेज रखने में सफल हो जाती है। अगर आपको ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी और यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी धमाकेदार फिल्में पसंद है तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और आप अगर साउथ इंडियन मूवीज देखने का शौकीन है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, इन सभी फिल्मों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। आपको जिस नंबर की भी फिल्म पसंद आती है उस नंबर के लिंक पर क्लिक करके आप उस फिल्म को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे 5 बेहतरीन फिल्मों की तरफ। तो आज के हमारे टॉप 5 काउंटडाउन में नंबर 5 पर आती है टेक ऑफ, जो कि साल 2017 में रिलीज की गई एक थ्रिलर ड्रामा वाली फिल्म थी जिसके स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे पार्वती, पहाड़, कुंजाको बोबन, साथी और बिग स्टार्स। इस मूवी के IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10 और 94% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए 2 पॉइंट सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं, टेक ऑफ और लैंडिंग। लेकिन इंडिया छोड़कर अगर आप किसी अदर कंट्री में और टेक ऑफ के कुछ समय पहले अगर आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है, वैसे होना तो नहीं चाहिए लेकिन मान लीजिए ऐसे में आपको बंधक बना लिया जाता है, तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में आप क्या करोगे? दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हालत पतली हो जाती है और क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली वैसा ही फील आपको यह मूवी देखते वक्त आएगा। अगर बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर दिखाया गया है कि समीरा नाम की इंडियन नर्स इराक में काम करती है और उसके कलीग्स और कुछ हॉस्टेजेस को आतंकवादियों द्वारा बंधक बना लिया जाता है। ऐसे में इंडियन एम्बेसडर मनोज अपने दिमाग का यूज करके बहुत ही चालाकी से उन्हें बचाने की कोशिश करता है ताकि उन सभी हॉस्टेजेस को और उस नर्स को सुरक्षित इंडिया लाया जा सके। अब किस तरीके से मनोज उन सभी हॉस्टेजेस को आतंकवादियों की कैद से छुड़ाता है, ये इस मूवी में देखने लायक है। ये मूवी वॉर्म इंडिया मूवीज यूट्यूब चैनल पर अपलोड है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आती है की, जिसका हिंदी डब वर्जन है खतरों का खेल, जो कि साल 2011 में रिलीज की गई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाली फिल्म थी जिसके स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे स्वप्ना, जगपति बाबू, राजकिरण, साथी और बिग स्टार्स। इस मूवी की IMDb रेटिंग तो नहीं है लेकिन 82% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी मिस्टीरियस कंपनी में जॉब निकलती है और इंटरव्यू के लिए अलग अलग जगहों से वेल एजुकेटेड 9 लोगों को बुलाया जाता है। बाद में उनको सरप्राइजली एक रूम में लॉक कर दिया जाता है और उन्हें बहुत ही डरावने और अजीब से टास्क दिए जाते हैं। अभी वो कंपनी कौन सी होती है और उन लोगों को क्या टास्क दिए जाते हैं, ये इस मूवी में बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग और भयानक है। धीरे धीरे मूवी थ्रिलर क्रिएट करते जाती है और मूवी की एंडिंग में तो आप पूरी तरह से इस मूवी में खो जाओगे। ये मूवी गोल्ड माइन डीच्यूम यूट्यूब चैनल पर अपलोड है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है रथावराज, जिसका हिंदी डब वर्जन है सुपर रक्षक, जो कि साल 2015 में रिलीज की गई एक एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी जिसके स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे श्री मुरली, रचिता राम, पी रविशंकर, साथी और बिग स्टार्स। इस मूवी के IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और 87% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा कि पॉलिटिशियंस अपने पावर के दम पर किस तरह से लोगों को टॉर्चर करते हैं और अपना काम बनवाने के लिए किस हद तक जाते हैं। अगर बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर दिखाया गया है कि राधा नाम का एक होशियार और ब्रिलियंट आदमी MLA रविशंकर का राइट हैंड होता है और MLA रविशंकर की बहुत इज्जत करता है और ऐसे में रविशंकर की किसी भी बात को ना नहीं कहता। अब होता ही हुए कि रविशंकर उसके सामने ट्रांसजेंडर से रिलेटेड एक विचित्र और अजीब सी इच्छा व्यक्त करता है जिसे पूरा करना यानी अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा देना, जो किसी भी आदमी को मंजूर नहीं होगा। इससे बचने के लिए वो क्या करता है, यह आप मूवी में देखिएगा। इसे साउथ हिंदी मूवीज यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आती है कादाराम कोंदान, जो कि साल 2019 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी जिसके स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे विक्रम, अक्षरा हसन, अभी, साथी और बिग स्टार्स। इस मूवी के IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 और 90% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। आपको तो पता ही है विक्रम सर की मूवीज कैसी होती है। जिस तरह का एक्शन आपको इरुमुगन मूवी में स्केच मूवी में देखने को मिला, वैसे यूनिक और जबरदस्त स्टोरी लाइन आपको इस मूवी में भी देखने को मिलेगी। यह मूवी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल स्पीड पर चलती है, लिटरली आप इस मूवी के दीवाने हो जाओगे। अगर बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर दिखाया गया है कि वासु नाम का एक ब्रिलियंट डॉक्टर होता है जो KK नाम के एक खूंखार अपराधी को अस्पताल में एक नामचीन इंसान का मर्डर करने से बचाता है और उस KK नाम के क्रिमिनल को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वासु को यह पता नहीं होता कि किसी की जान बचाने की उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। दरअसल होता यूँ है कि उस क्रिमिनल का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और उसे छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
इसीलिए वो वासु की वाइफ को किडनैप कर लेती है और उनकी डिमांड होती है कि केके को छुड़ा कर ला और अपनी वाइफ को ले जा। अब वासु अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और गवर्नमेंट के खिलाफ इलीगल तरीके से केके को छुड़ाने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाता है। इसके आगे जो भी होता है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है। अब इसके आगे क्या होता है ये आप मूवी में देखिएगा। इसे साउथ हिंदी मूवीज यूट्यूब चैनल पर हिंदी सबटाइटल के साथ अपलोड किया गया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आती है महानती, जो कि साल 2018 में रिलीज की गई एक ड्रामा फिल्म थी जिसके स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे टुकले और सलमान, विजय देवरकोंडा, समंता अक्किनेनी, साथी और बिगेस्ट स्टार्स। इस मूवी के IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10 और 95% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। दोस्तों जो मूवी क्रिएटर्स होती है ना, जो सेलिब्रिटीज होती है, वो ऊपर से जितनी हैप्पी दिखती है असल में उतनी हैप्पी होती नहीं। किसी के ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है तो किसी की जान को खतरा होता है। एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट पर यह मूवी बनाई गई है। मूवी की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि सावित्री साउथ इंडियन मूवी सिनेमा की बहुत बड़ी स्टार होती है। उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घटती है जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है और डिप्रेशन का शिकार बन जाती है। अब उसकी लाइफ में आगे क्या होता है या फिर उसकी लाइफ में ऐसे कौन से हादसे होते हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है, यह आप मूवी में देखिएगा। दोस्तों इस मूवी में कीर्ति सुरेश, विजय देवरकोंडा, समंता अक्किनेनी जैसे बहुत बड़े स्टार मौजूद है और मूवी की स्टोरी लाइन भी काफी यूनिक है। यह मूवी एक अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपको इनमें से कोई भी मूवी पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताना और इन सभी फिल्मों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर इस वीडियो पर की गई मेरी थोड़ी सी मेहनत आपको पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर देना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नए वीडियो में नए काउंटडाउन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।